पाकिस्तान में रविवार दोपहर यानी 6 अगस्त को बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसकी कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 33 लोगों की जानें चली गई, वहीं 80 लोग घायल हो गए। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि हजारा एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे की वजह ड्राइवर का देर से ब्रेक लगाना माना जा रहा है। ये ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। वहां से मिली कई वीडियो में दिख रहा है कि ये ट्रेन पुल के पास डिरेल हो गई। हादसे के बाद बोगियों से यात्री खुद ही बाहर निकल गए। ये हादसा सरहरी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर हुआ। वहीं कितने डिब्बे पटरी से उतरे इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि 5 डिब्बे पटरी से उतरे, जबकि कुछ ने कहा कि 8 डिब्बे पटरी से या 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने नवाब शाह के डिप्टी कमिश्नर को घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में रेलवे दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इसकी वजह पुराने ट्रैक, रखरखाव सिस्टम, सिग्नल समस्याओं, तकनीकी उपकरणों और पुराने इंजन बताए जाते हैं। सिंध में सबसे भीषण ट्रेन दुर्घटना 1990 में सुकूर के पास हुई थी, जब 307 लोग मारे गए थे। 7 जून 2021 को सिंध के घोटकी में 2 एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 64 घायल हो गए थे। फरवरी 2020 में सिंध के रोहरी स्टेशन के पास एक ट्रेन और एक यात्री बस की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे का शिकार हुए हजारा एक्सप्रेस में वही इंजन लगा हुआ था, जो इसी साल मार्च में हवेलिया से कराची जाने वाली ट्रेन में लगा था। बता दें कि वो ट्रेन भी रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से भीषण हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची थी। वहीं बीते दिनों ही कराची से सियालकोट जा रही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई थी। पाकिस्तान में रेल हादसे आम होते जा रहे हैं। बीते एक दशक में पाकिस्तान में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं और बीते सालों में इनमें तेजी आई है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9।